अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ अपने आर्ट्स दिखाना चाह रही हूँ, अपनी पेंटिंग्स वगैरह। जी, तो ये मेरी एक सबसे पहली पेंटिंग है जो कि मैंने एक आयत लिखी थी। मुझे ये आयत बड़ी पसंद है। नेक्स्ट, ये बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग मैंने बनाई थी, ऑयल पेंटिंग। और इसमें मैंने एक ट्री बनाया है और साथ में मैंने कुछ ग्रास का टेक्सचर दिया है। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ है और मैं डिफरेंट पेंटिंग्स बनाती रहती हूँ। इसके बाद ये मैंने एक फ्लावर बनाया था, रोज़ बनाया था, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था। सॉरी, थोड़ी सी लाइट कम है इसलिए मैं आपको क्लियरली दिखा नहीं पा रही हूँ। और ये भी बहुत खूबसूरत है, इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैंने बस खुद अपने ही माइंड से बनाना शुरू किया और मैंने अपनी पेंटिंग्स बनाई। ये दो तीन मैंने पेंटिंग्स रोज़ की बनाई थी। उसके बाद मैंने एक ये डॉट आर्ट भी बनाया था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक ये बहुत ही खूबसूरत सा रोज़ मैंने बनाया, फ्लावर बनाया था जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी बड़े कैनवस पे मैंने बनाया है और इसको मैं क्लियरली आपको दिखा रही हूँ क्लोज करके भी। और बड़ा प्यारा खूबसूरत सा लगा था और इसके मुझे बड़े ऑर्डर्स आए थे, तो एक दो मैं बना पाई थी लेकिन मैं ज़्यादा इस पर वर्क नहीं कर पाई। और आप लोग देख सकते हैं मेरी पेंटिंग्स। इसके बाद मैंने एक ये पेंटिंग बनाई थी, इसको भी डॉट आर्ट कहेंगे। एक जार है जिसके अंदर मैंने कुछ पेटल्स डाले, कुछ पर्पल एंड वाइट कलर का टेक्सचर दिया उस पर। और उसके साथ मैंने इसको थोड़ा डार्क बैकग्राउंड करके हाईलाइट कर दिया था। कुछ लीव्स ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर में मैंने दे दिए, जिसकी वजह से जो है ना एक पेंटिंग को थोड़ी खूबसूरती आ गई और वो थोड़ा ब्राइट ब्राइट सी इसकी लुक आ गई। और मैंने काफ़ी पेंटिंग्स इसके अलावा बनाई हुई हैं। एक मैंने ये बटरफ्लाई बनाई है जो कि छोटे से, मतलब 2x2 पेंट कैनवस पे मैंने ये बटरफ्लाई बनाई है। और इसको भी मैंने थोड़ा सा डे लुक दिया बैकग्राउंड में, थोड़ा सा ब्लू ब्लू सा। और डॉटेड मैंने इसके पेटल्स, मैंने इसके पंख बनाए हैं। इसके बाद एक ये गुलदान है जिसको मैंने ग्लिटर शेड से जो है ना पेंट किया है। और ये आप लोग भी अपने घर घर पे कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट एक माइंड होना चाहिए कुछ क्रिएट करने का, तो आप लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इस पे मोर के पंख लगा के इसकी खूबसूरती में इजाफा कर दिया, तो आप लोग भी ये आइडिया अपने घर में कर सकते हैं। थोड़ी डिफरेंट सी लुक देगा ये आपको। एक वॉज है मैंने ख़रीदा और उसको मैंने पेंट करके और उसके बीच में मैंने मोर के पंख डाल दिए। इसके बाद मैंने एक गिटार की भी पिक्चर बनाई थी और ये एक गर्ल की पिक्चर है। अगेन ये डॉटेड पिक्चर ही आ गई है और कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने एक ये स्ट्रॉबेरीज बनाई है और ये मैं एक ड्राइंग है जो बना रही हूँ, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। मैंने सोचा कि मैं इसको भी आपके साथ शेयर कर लूँ। और बड़ा मज़ा आता है ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में। और ये देखें, मैंने एक
फैक्ट्री का इफ़ेक्ट दिया है कि दुनिया जो है ना वो फैक्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा आलूदा हो रही है और इन फैक्ट्रीज को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये थी फ्रेंड्स मेरी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।